आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कांग्रेस के पदाधिकारी एवं दर्रीघाट निवासी टाकेश्वर पाटिल के घर में 7 सदस्यीय सशस्त्र डकैतों ने उनके घर में उपस्थित महिलाओं, बच्चों एवं अन्य सदस्यों को बंधक बनाते हुए कट्टे एवं चाकू की नोक पर दहशतगर्दी फैलाते हुए दिन दहाड़े डकैती वारदात को कारित करते हुए नकदी रकम लगभग 2.50 लाख रुपए एवं सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए सशस्त्र डकैती की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी और आईजी ने स्वयं घटना की जांच की व बारीकियों पर नजर रख रहे हैं। इस बीच डकैतों के आगमन एवं घटना कारित कर निर्गम के रास्तों को चिन्हित करने हेतु विभिन्न संभावित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसमें 7 आरोपी 3 मोटरसाइकिल में सवार होकर आते हुए एवं घटना कारित कर जाते हुए दिखे। सीसीटीवी फुटेज को पीड़ित परिवार के सदस्यों को दिखाकर तस्दीक कराया, तब जाकर उनके हुलिये को पहचाना गया। आपको बता दें कि मस्तूरी प्रकरण के आरोपी रमजान उर्फ बबलू एवं उसके उड़ीसा के साथियों को डकैती में शामिल किया, जबकि अजय कुमार ध्रुव ने प्रार्थी के घर एवं उसके घर पर रहने ना रहने एवं परिवार के कितने लोग घर पर रहते हैं इसके संबंध में सभी जानकारी हासिल कर घटना कार्य करने का समय सुनिश्चित कर आरोपी को घटना कार्य करने के लिए योजना बना कर दिया। आरोपी रमजान बल्ला के द्वारा डकैती करने के लिए अन्य लोगों के शामिल करने के लिए अन्य सदस्यों को जोड़ना प्रारंभ किया। रमजान बल्ला के द्वारा अपने घर के बाजू रहने वाले पुस्तक दुकान में काम करने वाले आयुब पिता हनीफ ग्राम चिल्हाटी, जो कि वर्तमान में उसके साथ जिंगराजपाड़ा में उसके घर के बाजू निवास करता है। उसके बाद ये लोग दोबारा मिले और क्योंकि अजय जानता था कि ये जमीन की हीलिंग करता है और कई बार घर में कैश रखता है और संपन्न परिवार का है, तो उसके मन में एक तो बदला लेने की भावना से भी और लूट के मतलब हिसाब से भी पैसे के लालच में भी मन में ये बात आई और फिर रमजान के साथ मिलकर डकैती का एक प्लान बना। रमजान ने ही फिर पूरी टीम को इकट्ठा किया और उसके बाद 3 अपने सहयोगियों को उड़ीसा से बुलाया। ये ओरिजिनली उड़ीसा का ही रहने वाला है और यहाँ पे कुछ टाइम से आके बसा है और फिर बाकी की टीम उड़ीसा से आई, इनके साथ ही ये कट्टे वगैरह लेके आए और फिर घटना के एक दिन पहले दुर्गेश करके एक और व्यक्ति है उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसने बेसिकली लॉजिस्टिक अरेंजमेंट पूरा करवाया, इनके ठहरने की व्यवस्था से लेकर मोटरसाइकिलिंग की व्यवस्था, ये सारे अरेंजमेंट कराए, ये भी लोकल आदमी है। और टीम यहाँ से घटना के बाद ये लोग बसना गए, वहां पे एक दो दिन रुके, जंगल क्षेत्र में रुके और फिर वहां से सब लोग अलग अलग हो गए। इनकी पकड़ के लिए हमारी पूरी टीम लगातार लगी रही और साइबर टीम के अलावा फील्ड की टीम्स अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी। ओडिशा से हमने एक मुख्य आरोपी को उठाया, टोनी, जो कि जिसके पास से पिस्टल भी रिकवर हुई है और अभी कुछ आरोपी जो हैं वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई बाकी के भी सभी कर लिए हैं, लेकिन वो हम लोग काफी मेहनत के बाद भी उनको पकड़ नहीं पाए हैं। अभी ये लोग सभी हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं जिनका उड़ीसा में भी अन्य डकैतियों में लूट में कई तरह के ऑलरेडी पंजीबद्ध भी हैं, तो ये काफी शातिर हैं और इतनी सफलता भी हमको मिल पाई ये बहुत बड़ा श्रेय है पूरी टीम को जाता है, क्योंकि इंटर स्टेट गैंग जो कि प्रोफेशनल डकैत्स हैं इनको पकड़ने में टीम को सफलता मिली। और कितने खबरों में अब तक ये बस इतना भी, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।